नमस्कार, मैं हूँ हिमाश्री। कुक विद हिमाश्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शकरकंद के हलवे की बहुत ही स्वादिष्ट और आसान सी रेसिपी बनाकर बताऊंगी, जिसे कि आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं झटपट सी इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। सबसे पहले हम कुकर में इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमारा शकरकंद जो है बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैंने इसे छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और उसे मैसर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे जिससे कि हमें हलवा बनाने में बहुत आसानी हो जाए। इसमें थोड़े भी पीसेस रहना नहीं चाहिए, इसे बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो शकरकंद है बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हम इसके हलवे की तैयारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 12 से 15 आलमंड जिसे कि मैंने टुकड़े में काट लिया है, 12 से 15 काजू इसे भी मैंने काट लिया है, और 1 बड़े चम्मच किशमिश, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 कप शक्कर लिया है। शकरकंद वैसे ही बहुत मीठा होता है, इसलिए आप शक्कर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पैन को गरम कर लिया है। अब हम उसमें 1/2 टीस्पून घी डाल देंगे और इसमें हम काजू और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। इसमें जो क्रंची बनाता है इससे जो हलवा बनेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करके ही हलवा में डालेंगे। ये वैसे भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। एक से दो मिनट ये रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें किशमिश को डाल देंगे। और इसे भी हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम फिर से इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और इसमें हम मैश किए हुए शकरकंद को डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है जिससे कि इसमें अच्छी एक खुशबू आने लगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो सके और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही चलाना है और इसे 6 से 7 मिनट तक ही हमें अच्छे से चलाते रहना है। जब इसमें थोड़ा सा हल्का कलर आने लगेगा उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस प्रोसेस के बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालते समय गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी प्रोसेस के समय अब हम इसमें
शक्कर को डाल देंगे, शक्कर, और इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, इसे आप जब भी चाहे आसानी से बनाकर इसे उपवास के समय में खा सकते हैं। हलवा हमारा अच्छी तरह से बन चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। हलवा हमारा पूरी तरह से तैयार है, अब हम इसमें एक छोटी चम्मच घी मिलाकर इसे उतार देंगे। अब हम इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।